हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे बेटा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये किसकी कंटिन्यूटी का है? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया था विच वाज गिवन बाय द ग्रिफ्थ, और ग्रिफ्थ ने ये बताया था दैट इज द नॉन वायलेंट विल ट्रांसफॉर्म इनटू वायलेंट व्हेन हीट किल्ड बैक्टीरिया, जो हीट किल्ड वायलेंट बैक्टीरिया उसमें ऐड किया था तो नॉन वायलेंट किस में ट्रांसफॉर्म हो गया था, वायलेंट बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में किया था। नाउ अब हम लोग ये करेंगे कि जब ग्रिफ्थ ने ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था तो ही वॉज नॉट नोइंग कि एक्चुअली दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। लेटर ऑन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल वॉज डिटरमाइंड, कि भाई एक्चुअली जेनेटिक मटीरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, यानी किस सब्सटेंस का वो बना हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले जो वर्क किया गया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर, वो वर्क किया गया था दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नाउ इन दिस प्रोसेस व्हाट दे डिड इन दिस एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली थ्री साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट थे बेटा? वन इज एवरी, सेकेंड इज मैकलियर एंड थर्ड इज द मैककार्टी। ये थ्री साइंटिस्ट हैज गिवन द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यूजुअली क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि नेम द साइंटिस्ट हु गिव द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो आपको नाम देना पड़ेगा ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियर्ड एंड मैकलिन मैककार्टी, या सिंपली आप एवरी, मैकलियर्ड और मैककार्टी नाम दे सकते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट से पहले, यानी प्रायर टू देयर एक्सपेरिमेंट, इट वॉज कंसिडर दैट द प्रोटीन वॉज अ जेनेटिक मटीरियल, यानी कि प्रीवियस प्रायर टू द वर्क ऑफ दिस साइंटिस्ट, इन साइंटिस्ट के काम से पहले प्रोटीन वॉज कंसीडर टू बी द जेनेटिक मटेरियल, ये माना जा रहा था बेटा कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इन लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो दे फाउंड आउट दैट एक्चुअली प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, इट इज द डीएनए व्हिच इज द जेनेटिक मटेरियल। नाउ व्हाट दे डिड, तो एक्चुअली व्हाट दे डिड, फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल्स, उन्होंने बायोकेमिकल्स को प्योरीफाइड किया। बायोकेमिकल में कौन कौन आएगा बेटा? बायोकेमिकल में उन्होंने जैसे सिंपली प्रोटीन ले लिया, डीएनए ले लिया, आरएनए ले लिया, एंड इवन लिपिड भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं भी लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दे जस्ट टुक प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, किससे प्योरीफाई कर रहे, प्योरीफाइड बायोकेमिकल फ्रॉम हीट किल्ड एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट उन्होंने क्या करा बेटा, एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया को इस बैक्टीरिया किल्ड किया बेटा। कैसे किल्ड किया? हीट किल्ड किया। उसमें से फिर क्या करा बेटा, दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल, उन्होंने उसमें से बायोकेमिकल को प्योरीफाई कर दिया। अब सिंपली बायोकेमिकल को प्योरीफाई करा, तो मैं एक स्टेप डायग्रामेटिक वे से लेके जाऊंगी बेटा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सपोज ये इन्होंने केमिकल निकाला, सिंपली हम ये ले लें, और इसके अंदर क्या है बेटा,
इनके अंदर है बायोकेमिकल, किसका? हीट किल्ड एस स्ट्रेन का। अब सिंपली उन्होंने क्या करा बेटा, सबसे फर्स्ट स्टेप में दे टुक अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ली बेटा, और उस टेस्ट ट्यूब में, यानी कि सभी टेस्ट ट्यूब्स में, सिंपली अपन मान के चलो कि 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ओके, ये 3 टेस्ट ट्यूब ले ली और हर टेस्ट ट्यूब के अंदर उन लोगों ने क्या डाल रखा है बेटा, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया सभी में, ये सब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब इन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में इन्होंने ऐड करा क्या बेटा, ये जो बायोकेमिकल निकाला था यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इसमें भी बेटा वही हीट किल्ड एस स्ट्रेन, सॉरी इसमें भी हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ये तीनों चीज इसमें डाल दी बेटा 3 टेस्ट ट्यूब में। अब इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने एक और चीज ऐड करी, और वो क्या ऐड करा बेटा, उन्होंने ऐड करा वन इज द प्रोटीज एंजाइम, इसमें उन्होंने ऐड करा आरएनए एंजाइम, और इसमें इन्होंने ऐड करा डीएनए एंजाइम, डीएनएस आरएनएस प्रोटीएज, एज आप लोगों को पता है बेटा एंजाइम्स के लिए लगता है, प्रोटीएज आरएनएज आरएनए एएससी डीएनए एएससी आरएनएज, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है बेटा, ये आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है और ये डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इसका मतलब जब उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला इसके अंदर हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, तो उससे इसके अंदर, इस बायोकेमिकल के अंदर जितनी भी प्रोटीन थी वो क्या हो गई होगी बेटा, डाइजेस्ट हो गई होगी, तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई और उसके बाद में भी बैक्टीरिया क्या हो गए बेटा, बैक्टीरिया हो गए ट्रांसफॉर्म, क्या हो गए बेटा ट्रांसफॉर्म, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसका इससे ये प्रूव हुआ कि प्रोटीन तो हमने रिमूव कर दिया था, प्रोटीन रिमूव करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड इन्होंने कहा कि सिंपली आरएनएज डाला बेटा, आरएनएज डाला तो भी इसके अंदर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब ये है कि इन्होंने आरएनए से को भी डाइजेस्ट करवा दिया। अब आरएनए के साथ में इन्होंने प्रोटीएज भी डाल दिया, तो जब आरएनएज और प्रोटीएज दोनों ऐड करे तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट कर रहा है, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि नाइदर आरएनए और नॉर प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इन द थर्ड वन दे एडिड द डीएनएस, तो डीएनएस ऐड किया, तो डीएनएस किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। अब बच गया क्या, प्रोटीन बच गया या फिर आरएनए बच गया। अब ना तो प्रोटीन और ना ही आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, तो इसके अंदर होएगा नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। क्यों नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुई, क्योंकि डीएनए एंजाइम ने इसके डीएनए को क्या कर दिया बेटा, डाइजेस्ट कर दिया, सो द हीट किल्ड एसडीएस स्ट्रेन का डीएनए खत्म हो गया, इसलिए इट इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट टू ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इनटू द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो दिस वाज बाय दिस एक्सपेरिमेंट एवरी
मैकलियॉर्ड एंड मैककार्टी दे एक्सप्लेन द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन से बायोकेमिकल रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, मीन्स वॉट दे कॉन्क्लूडेड दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्या है बेटा? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट से सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड नहीं हुए। उन सब ने नहीं माना कि ये एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया है उससे कि दीज आर द एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि द जेनेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन किया बाय हार्शी एंड चेस। थैंक यू।